आप सभी का स्वागत है समझो टेक्निकल में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत पे का जो QR होता है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का QR, जिसके इसके अंदर में कुछ ऐसे ही QR आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा QR इस पर कैसे लिंक किया जाता है, उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि भारत पे में जो QR लिंक कैसे किया जाता है, उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको भारत पे एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस का जो साइन दिख रहा है, वहाँ पे आप किसी भी दुकान में जाकर के मर्चेंट अनबोर्डिंग कर सकते हैं। उसके बगल में आपको यहाँ पे एक स्कैन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करके किसी भी दुकान में जाकर के अगर उसको QR लिंक करना हो या फिर किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना हो, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे स्कैन पे क्लिक करके आपको उसको स्कैन करना होगा, तभी आपका उसका ऐप के सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके दुकान के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या सर्विस उसको देना है, वो सभी चीज़ स्कैन करने के बावजूद ही आपको वहाँ पर दिखेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स, अगर जैसे किसी का आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर आप किसी का स्वैप के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको स्कैन करना मैंडेटरी है। स्कैन करेंगे तभी आपके ऐप में इसका काउंट होगा, ये तो फिर वो काउंट नहीं होगा, फिर आपको आपको इसके जो पैसे मिलते हैं, कंपनी आपको पैसा देती, वो भी पैसा आपको कंपनी नहीं देगी। तो सबसे पहले चलिए हम पे आपको यहाँ पे इनवैलिड लोकेशन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे QR कोड स्कैन करना। स्कैन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दुकान का पूरा कंप्लीट एड्रेस अभी आपको दिख रहा है, यहाँ पे इनएक्टिव है, मतलब ये अभी तक अभी यूज़ काफ़ी दिनों से ये यूज़ नहीं कर रहा है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कितना किलोमीटर के डिफरेंस में ये सब चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे अदर टास्क वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी सर्विसेज आपको वहाँ पे देना चाहते हैं वहाँ पे आपको दिख जाएगा स्कैन पे। उसको क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं QR लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दुकान का आपको फ़ोटो लेनी है, दो फ़ोटो लेनी है, एक मर्चेंट के शॉप का और एक मर्चेंट के साथ एक फ़ोटो लेना है। उसके बाद फिर QR को स्कैन करना। स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पेटीएम ऑप्शन चूज़ किया मैंने, पेटीएम चूज़ करके एक रुपये आपको पेमेंट करना है। एक रुपये ज़्यादा पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ एक रुपये ही पेमेंट करना है, जो कि एफएससी का जो नंबर है उसे सिर्फ एक रुपये का ही पेमेंट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो वो फ्रॉड लिस्ट में काउंट होने लगे। तो इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में किसी तरह का सवाल होता है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमारा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको जानकारी आपको पूरी तरह से आपको मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।